थे, जो हम सड़कों पे जाके तकलीफ में खड़े होते थे, तो कोई आज हमारा सुनने वाला नहीं होता था। और मैं सोचती होती थी कि कैसे बहस एमएनएज और एमपीएज है कि हम चार चार दस दस घंटों से खड़े रहते हैं और कोई हमारी बात नहीं सुनता। मेरे लीडर इमरान खान ने एक बात कही अपनी स्पीच में प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद, उन्होंने कहा या तो करप्ट लोग रहेंगे या फिर पाकिस्तान रहेगा। तो आज डीजी खान की हमसे मवाली लेते हैं, आज मेरे साथ कमिश्नर साहब राणा गुलजार साहब बैठे हुए हैं, डिप्टी कमिश्नर साहब भट्टी साहब बैठे हुए हैं, और हर महकमे के जिनका आपका पब्लिक काउंसिल से वास्ता पड़ता है, पुलिस से लेकर रेवन्यू और रेवन्यू से लेकर नागरिक तक, हर ऑफिसर आज आपके सामने मौजूद है। कमिश्नर साहब की बड़ी मेहरबानी कि उन्होंने मुझे इस बात का क्रेडिट दिया, लेकिन आपकी मेहरबानी कि मैं आपके पास जब दो घंटे बैठी रही, दो एग्जीक्यूशन हम लोगों ने की। पहला एक हम मीट एंड क्लीन डीजी खान बनाना चाहते हैं, कल हम लोगों स्टार्ट कर दिया, और सेकंड आज हम खुली कचहरी लगाना चाहते हैं, क्योंकि मसाइल के इतने अंबार है, ये कोई सियासी अखाड़ा नहीं है, हम आपसे नारे लगवाने नहीं आए, हम आपसे दाद लेने नहीं आए, ये दुखों का मसाइल क्या हम आज गए 70 साल से लोगों के मसाइल यहाँ पे है, एक एक करके हम मसला हल नहीं कर सकते सिवाय इसके कि ब्यूरोक्रेसी और आवाम नुमाइंदे एक पेज के ऊपर नजर आए और फिर डीजी खान का आज लोग सुन लें कि जो भी जिसने हक में से और जो जिस इंसान ज्यादा करता है या तो डीजी खान रहेगा या फिर करप्ट लोग रहेंगे। इस उम्मीद के साथ कि जो आप अपनी तकलीफ के लिए जब आपको माइक दिया जाएगा तो आप उसमें ज्यादा, मुझे पता आपके दुख बहुत ज्यादा है, लेकिन आप अपने बहन भाई को भी मौका देंगे कि पूरा दिन लगा रहेगा, और उसके लिए आपकी तकलीफ बहुत ज्यादा है लेकिन आपके साथ वाला जो आया उसको भी मौका आपने देना है। लिहाजा जो आपकी तकलीफ है, जो आपका मसला, आपके पास माइक आएगी, आपका यहाँ पे कमिश्नर साहब बैठे हुए, सारे नुमाइंदे बैठे हैं, सारे महकमे के ऑफिसर बैठे हैं, आपका इसका सारा मकसद ये है कि आपको फौरी इंसाफ मिलना चाहिए। कोई दरवाजा आपको ऑफिसर का बंद नहीं मिलेगा, कोई दरवाजा आपको अवामी नुमाइंदे का बंद नहीं मिलेगा। लोगों ने टाइमिंग्स मुकर्रर किए हैं, हम 24 घंटे एक ही काम करते हैं, उसको सियासत कहते हैं, सियासत की इबादत समझ करके करते हैं। हक हलाल की कमाई सिर्फ रुपए पैसा नहीं होती, हक हलाल की कमाई मेहनत भी होती है। मेहनत करें, सही तरीके से करें, हक हलाल के साथ करें, जायज के साथ, जायज तरीके के साथ करें और अच्छी नीयत के साथ करें। मैं भी समझती हूँ अल्लाह ताला कभी किसी को तकलीफ देगा या फिर अल्लाह ताला किसी की मेहनत को रहेगा जाने नहीं देगा। इंशाल्लाह आज पहला मौका है, जब इसका फॉलो अप जाएगा तो आप देखेंगे कि अगले फॉलो अप में कितने मसले हल हुए हैं और मजीद कितने मसले आएंगे। अल्लाह ना करे कोई मसले हो, लेकिन हम आपके लिए 24 घंटे हाजिर हैं। इंशाल्लाह आप लोग स्टार्ट करते हैं। बहुत शुक्रिया।